हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के फ्रूट बास्केट का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। एक्चुअल में ये फ्रूट बास्केट है, आप इसको मल्टीपर्पज़ बास्केट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप फ्लावर भी हैंग कर सकते हैं। फ्लावर को हैंग करने का तरीका इस तरह से रहेगा, ये जो हैंगिंग बेल आता है उसको हम ले करके और इसमें हैंग कर सकते हैं। तो ये आप फ्लावर बास्केट के भी रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें किचन का कोई सामान लगा सकते हैं या कोई शो पीस है रख सकते हैं। और इसका बास्केट जो है वो आप देखिए बहुत बड़ा है और मजबूत है। इसमें आप 2 किलो के लगभग आप फ्रूट चाहें तो फ्रूट भी लगा सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और हैंडमेड है और बहुत टिकाऊ है। एक सुंदर सा शो पीस है, आप इसको चाहें तो हॉल में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। यहाँ देखिए इसको मैंने एक डिफरेंट 2 डिफरेंट डिज़ाइन में इसको बनाया है। इसका बास्केट भी बहुत सुंदर है। यहाँ देखिए बास्केट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक 2.5 इंच का गोल सा रिंग लिया है, एक 8 इंच का गोल सा रिंग लिया है और एक यहाँ 6 इंच का गोल सा रिंग है। 3 गोल सा रिंग लिया है मैंने और 2 बंडल मैक्रम लगा है। ऊपर में मैंने 12 मैक्रम कॉर्ड को कट करके लगाया है, जिसको कि मैंने 4 मीटर में रखा है। और नीचे की तरफ एक कॉल्यूम में मैंने यहाँ पे 6 लगाया है, जिससे 36 पीस एक्स्ट्रा यहाँ पे रेड कलर का कॉर्ड लगा है, जिसको कि मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर में कट किया है। और यहाँ इतना दूर मैंने यहाँ पे कांटा मोती यूज़ किया है, तो एक लाइन में मैंने 4 यूज़ किया है। इस तरह से 36 कांटा मोती लगा है और यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन मटका मोती यूज़ किया है। 240 पीस मैंने यहाँ पे ये कलर का ये मटका मोती यूज़ किया है। और यहाँ पे 40 पीस के लगभग मैंने यहाँ पे ये बेल्स यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही सुंदर से फ्रूट बास्केट मल्टीपर्पज़ बास्केट। तो मैक्रम लेंगे और इसमें से हम 12 पीस मैक्रम कट करेंगे 4 मीटर में। 2.5 इंच का गोल सा रिंग लेंगे और इसमें मैंने 12 कॉर्ड लिया है और सभी कॉर्ड के एकदम सेंटर के पॉइंट को इसमें इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 12 कॉर्ड अटैच किया है। 12 कॉर्ड मैंने यहाँ पे 4 मीटर का अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक कॉर्ड लेंगे 2 मीटर के 1.5 मीटर के लगभग का, और आप चाहें तो सिंपल स्क्वायर नॉट या स्पाइरल मूव्स जो मन हो वो डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ, जो बेसिक नॉट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें से 4 कॉर्ड लेना है, 2, 3, 4। यहाँ पे 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, 5 बार सिंपल स्क्वायर नॉट। तो
का नॉट, फिर यहाँ पे एक मोती लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक मोती ऊपर करेंगे और फिर से हम यहाँ पे 5 टाइम सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, 5 बार सिंपल स्क्वायर नॉट। सेवन टाइम्स, फिर 12 टाइम्स ये वन हुआ, तो यहाँ हम स्पाइरल मूव्स लगाएंगे, हल्के हाथों से लगाएंगे। 2, 3 और ये 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट एक मोती, 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट एक मोती, 18 टाइम्स स्पाइरल मूव्स, फिर मोती, फिर 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट, फिर मोती, फिर 5 टाइम्स सिंपल स्क्वायर नॉट। इस तरह से ये एक लाइन बन करके तैयार है। इसी तरह से हम पूरा लाइन बना करके तैयार कर लेंगे, यहाँ पे 6 लाइन बन करके तैयार होगा, तो तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बना लिया है और सभी लाइन एक हाइट पे है। जो हाइट पे नहीं है उसको हम थोड़ा सा खींच करके एक हाइट पे कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं सभी एक लाइन, एक बराबर लाइन में, आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब हम यहाँ पे 8 इंच का गोल सारिंग लेंगे क्योंकि हम फ्रूट बास्केट बना रहे हैं या कुछ सामान रखने के लिए बास्केट बना रहे हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे 8 इंच का बड़ा वाला सारिंग लेंगे। 10 इंच का नहीं लेंगे, 10 इंच का ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 36 पीस कॉर्ड कट किया है। सारे कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर में कट किया है। अब 4 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक मोती लगाएंगे।
इसे से ये एक राउंड बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप दो नॉट के बीच में एक लाइन कंप्लीट हो गया है। तो दो नॉट के बीच का ये जो दो कॉर्ड है, इसमें एक मोती लगाएंगे और इससे हम नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये सेकेंड राउंड कम्प्लीट होगा। और ज्यादा टाइटली नहीं लगाना है नॉट। अब थर्ड लाइन भी हम सेम ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से थर्ड लाइन, इस तरह से पांच लाइन बना करके हम पूरा बास्केट का पांच लाइन बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऊपर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। 1 2 3 4 5 लाइन मैंने मोती के साथ, फिर 1 2 3 4 5 लाइन मैंने बिना मोती के साथ। अब अंतिम में हम यहाँ पे एक मोती लगा करके नॉट लगा लेंगे। अब 6 इंच का हम गोल सेटिंग लेंगे, क्योंकि ये 8 इंच का गोल सेटिंग है, तो हम यहाँ पे इसको 6 इंच का गोल सेटिंग लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सारे कॉर्ड को 6 इंच के रिंग में पाइपिंग करेंगे। तो इसको पाइपिंग करने का तरीका ये रहेगा कि एक नॉट लेना है और एक नॉट में 4 धागा होता है। तो स्टार्टिंग का एक धागा हम पाइपिंग करेंगे डबल पाइपिंग, दूसरा धागा सिंगल पाइपिंग, तीसरा धागा सिंगल पाइपिंग, चौथे धागे को डबल पाइपिंग। यहाँ फिर से नया नॉट लिए, यहाँ देख रहे हैं इसको डबल पाइपिंग किया मैंने, फिर सेकेंड वाले कॉर्ड को सिंगल पाइपिंग, थर्ड वाले कॉर्ड को सिंगल पाइपिंग। इसी तरह से पूरे को हम बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको 6 इंच के रिंग में इसको अटैच कर लिया है। अब सारे कॉर्ड को हम इस तरह से पकड़ेंगे, सभी कॉर्ड को। अगर जो कॉर्ड छोटा है उसको आप लंबा कर लें, और लगभग सभी कॉर्ड को हमको यहाँ पकड़ना है। अब इसी में से कोई एक लंबा सा कॉर्ड चुन लेना है। मेरा लंबा सा कॉर्ड यहाँ पे है। अब इसी से, क्योंकि हमको इसी लंबे कॉर्ड से इसमें करना है, हम इसमें एक्स्ट्रा कॉर्ड कट करके तब पाइपिंग नहीं करेंगे। अगर वो पाइपिंग करेंगे तो पाइपिंग ढीला पड़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी में से एक कॉर्ड को चुनना है और टाइटली गोल गोल घुमाते हुए। ये टाइट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कॉर्ड को कट करेंगे। तो आधे कॉर्ड को हम छोटे में कट कर लेते हैं। आधे कॉर्ड को नहीं, ऊपर ऊपर के कॉर्ड को। इस तरह से हम ऊपर ऊपर का कॉर्ड निकालते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर ऊपर कॉर्ड को साइड कर लिया। अब हमको इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बांध के हटाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जो कॉर्ड है वो छोटा भी है और बड़ा भी है। तो पहले हम इसको इक्वली काट लेते हैं।
तरह से ये डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने पूरे में बेल्स लगा लिया है। अब सबसे अब अंतिम में बच गया है ऊपर का ये वाला डिजाइन, इसको हम